आप लोग, हम लोग कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 ML अग्रवाल। इसका एक्सरसाइज नंबर 19.5 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 19.4 स्टार्ट करेंगे, जो ग्राफ का एक्सरसाइज है और काफी सिंपल सा और प्यारा सा एक्सरसाइज है। साथ ही साथ स्कोरिंग भी है, काफी स्कोरिंग एक्सरसाइज और एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। कुछ भी इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन से ही आप समझ जाओगे। एक क्वेश्चन से ही आप पूरा एक्सरसाइज समझ जाइएगा, लेकिन मैं पूरा एक्सरसाइज कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इसको करने का तरीका क्या होता है? पहले इस इक्वेशन को पकड़ लीजिए, 3x - 2y = 4 है, तो y = क्या होगा? मतलब y को एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरे तरफ भेज देना है। चलिए करते हैं, एकदम आसान है। यहां देखिए y, ये माइनस में है, नेगेटिव है, इसको ही उधर भेज देते हैं ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या, ये 3x, ये प्लस है, इस तरफ आया तो माइनस, इक्वल्स टू 2y हुआ। ये 2y है, मुझे सिर्फ y चाहिए, y तो ये क्या है, मल्टीप्लाई है, इसे भी इधर भेज दीजिए। तो ये 3x - 4/2 = क्या मिला, y। पहला काम ये करना है। दूसरे काम क्या करना है, यहां एक बॉक्स बना लीजिए, ये x, ये y, इसके बाद इसके अंदर तीन कॉलम चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, x का कुछ वैल्यू पुट करेंगे जो y का वैल्यू देगा। क्या वैल्यू पुट करेंगे सर, आइए देखते। x में यदि आपने 1 पुट किया तो 3 1 3 3 - 4 - 1/2 फ्रैक्शन आ जाएगा, नहीं लेंगे। 2 पुट करने पे क्या होगा, 3 2 6 6 - 4 2 2/2 1 आएगा वैल्यू। मतलब x आपने 2 रखा तो y कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। इसी तरह आगे चेक करेंगे, ये तो हमने सर प्लस 2 रखा था, माइनस 2 रखते तो क्या होता, x के जगह पे यदि माइनस 2 रखते तो फिर क्या मिलता, 3 - -2 क्या होता है, माइनस 6 - 6 और - 4 - 10 - 10/2 - 5 - 5। अच्छा 3 रखने पे क्या होता सर, 3 3 = 9 9 - 4 = 5 5/2 नहीं कटेगा। 4 रखने पे 3 4 = 12 12 - 4 = 8 8/2 = 4 हो जाएगा। तो x के जगह पे आपने क्या रखा, 4 रखा, तो 3 4 = 12 12 - 4 = 8 8/2 कितना मिला, 4। इससे देखिए ये काम हो गया। ऐसे ही इसमें भी करना है, इसमें भी वही काम करना है। क्या है ये, 5x - 2y = 0, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, 5x = 2y, माइनस था उसे आपने दूसरे तरफ भेज दिया, लेकिन आपको 2y नहीं y चाहिए। तो 5x / 2 = y मिल गया। यहां भी इसी तरह बॉक्स बना लेना है, यहां भी इस तरह से बॉक्स बना लेना है, ये x है, ये y है, तीन बॉक्सेस चाहिए होंगे। अब क्या पुट करें सर, x में क्या पुट कर सकते हो, यदि आपने 1 लिया तो 5 1 = 5 हो जाएगा, 5/2 फ्रैक्शन आ जाएगा, कटेगा नहीं। 2 लेने पे 5 2 = 10 10/2 कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। अच्छा -2 ले लेते तो क्या होता सर, -2, तो 5 - -2 - 10 -10/2 - 5। अच्छा 3 रखने पे तो आएगा नहीं, क्योंकि 5 3 = 15/2 फ्रैक्शन आ गया। 4 रखने पे 5 4 = 20 5 4 = 20, तो 20/2 कितना, 10 20/2 10। देखिए ये भी बॉक्स तो बन गया। आगे क्या करना है, इसी को ग्राफ पे प्लॉट करना है, यही सारे पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है, वो भी एकदम आसान है। हम लोग इसको प्लॉट करेंगे, बस बिल्कुल आसान है, आगे एकदम सिंपल काम है, इसे प्लॉट करना है। अब इसे प्लॉट कैसे करेंगे, x क्या है 2 y 1, ये प्लॉटिंग तो आप लोग जानते ही हैं,
ये x का पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव का वैल्यू है, ये y का पॉजिटिव, ये y का नेगेटिव है, ठीक है। x2 y1, x पॉजिटिव 2, x पॉजिटिव 2 y1, यहीं से एक स्टेप ऊपर जाना है आपको, यहीं से एक स्टेप ऊपर जाना है। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, x माइनस 2 और y क्या है, माइनस 5, x माइनस 2 y माइनस 5 नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, तो यहाँ पे कुछ। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या है, एक्स फोर वाई फोर, एक्स फोर वाई फोर, ये एक्स फोर और वाई फोर पॉजिटिव 4 ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ से यहाँ पे, ये कुछ अंदाजा से मैंने किया। जब आप इसे ग्राफिकली करेंगे तो ये काफ़ी एक्यूरेट बनेगा, काफ़ी एक्यूरेट बनेगा। आगे क्या करना है, इस लाइन को ज्वाइन कर देना है, आगे क्या करना है आपको, इस लाइन को ज्वाइन कर देना है। आइए, तो ये मैं थोड़ा अंदाजे से कर रहा हूँ, लेकिन जब आप ग्राफ में करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा बनेगा, एकदम स्ट्रेट बनेगा। चल, तो ये आपने इसे ज्वाइन कर दिया, इसके पॉइंट को मेंशन कर दीजिए, एक्स क्या था 2 1, दूसरा पॉइंट माइनस 2 माइनस 5, ये आपका माइनस 2 माइनस 5, अच्छा 4 4, तो ये 4 4 हो गया। दूसरा, अब इससे ग्राफ बनाना है आपको, एक्स टू वाई फाइव, एक्स टू वाई फाइव, एक्स टू वाई फाइव, मतलब यहाँ पे कहीं आसपास होगा, ठीक है। एक्स माइनस टू वाई माइनस फाइव, एक्स माइनस टू वाई माइनस फाइव, ये सेम पॉइंट हो गया, सेम पॉइंट हो गया। एक्स फोर वाई टेन, एक्स फोर वाई टेन, वाई टेन, मतलब यहाँ पे कहीं। अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट को इन तीनों पॉइंट से ज्वाइन करना है, तो ये तो कॉमन पॉइंट ही है। चल, ये इससे जॉइंट हो गया, अब इससे इसके ऊपर ले आइए। अच्छा, तो ये देखिए दो ग्राफ का लाइन तो बन गया, इसे क्या करना है आपको, नाम देना है, इसे आप यू और वी बोल सकते हैं। दूसरा जो लाइन है इसे आप W और Z नाम दे दीजिए। ये दोनों लाइन जो है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, ये देख लीजिए किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही आपका आंसर है, वही आंसर है। आगे आप इसे लिखेंगे कैसे, अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट का आप लोगों ने, हम लोगों ने क्या नाम दिया, यू वी, अ लाइन सेगमेंट यू वी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू दे सकते थे, अ लाइन सेगमेंट यू वी एंड डब्ल्यू जेड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट किया, माइनस टू कॉमा माइनस फाइव, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इससे आपको पहला पॉइंट जो है वो एक्स का वैल्यू देगा और दूसरा पॉइंट जो है वो आपको वाई का वैल्यू देगा, बस खत्म हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी वही है, सॉल्व करना है आपको, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। इसमें भी हम लोग वही स्टेप्स करेंगे जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। सबसे पहला काम देखिए, इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x-7y=6, इसे y के रेस्पेक्ट में, मतलब y इक्वल्स टू क्या होगा ये फाइंड करना है आपको। तो लिखेंगे कैसे, ये 2x, ये प्लस है, इसे इस तरफ ले आइए, माइनस हो गया, इक्वल्स टू कितना, 7y, ये 7y है, आपको क्या चाहिए, y चाहिए, तो ये 2x-6/7 इक्वल्स टू क्या है, y है। एक बॉक्स बना लेंगे हम लोग, तो ये x, ये y, कितने पॉइंट चाहिए आपको, 3 पॉइंट चाहिए। आगे बस थोड़ा सा एज्यूम करना है, x के जगह पे अलग अलग वैल्यू रख के चेक करिए कि y का वैल्यू क्या मिलेगा। आपने यदि 1 रखा तो 2 1 2 हो जाएगा, 2-6-4, तो -4/7 तो फ्रैक्शन रह गया, नहीं ले सकते आप।
टू लेने पे क्या आएगा, देखिए टू टू ज़ा फोर, फोर माइनस सिक्स माइनस टू नहीं होगा, थ्री रखने पे टू थ्री ज़ा सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो बाई सेवन ज़ीरो, ये चलेगा चलेगा ज़ीरो चलेगा, दोनों ज़ीरो नहीं होना चाहिए ना। आपने x तो थ्री लिया, x थ्री लिया तो टू थ्री ज़ा सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो, ज़ीरो बाई सेवन ज़ीरो, ये वैल्यू चलेगा। आगे जब फोर लेंगे तो क्या आएगा, देखिए टू फोर ज़ा एट, एट माइनस सिक्स कितना होता है, टू होता है, लेकिन x का वैल्यू यदि माइनस फोर ले तो क्या होगा, ये माइनस एट और माइनस सिक्स हो जाएगा, माइनस एट और माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन हो गया, माइनस फोर्टीन बाई सेवन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन कट जाएगा, मतलब आप माइनस फोर ले सकते हैं। माइनस फोर लेने पे ये कितना मिला आपको, माइनस एट और माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन बाई सेवन, मतलब माइनस टू मिल गया, माइनस फोर से हो गया। फाइव लेने पे टू फाइव ज़ा टेन, टेन माइनस सिक्स फोर नहीं होगा। सिक्स लेने पे टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस सिक्स नहीं होगा। सेवन लेने पे टू सेवन ज़ा फोर्टीन, फोर्टीन माइनस सिक्स एट नहीं होगा। एट लेने पे टू एट ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस सिक्स नहीं होगा, लेकिन सिक्सटीन प्लस सिक्स क्या होगा, सिक्सटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी फोर नहीं होगा। नाइन लेने पे टू नाइन ज़ा एटीन, एटीन माइनस सिक्स, एटीन माइनस सिक्स ट्वेल्व नहीं होगा, सेवन का मल्टीपल चाहिए ना। टेन लेने पे क्या आएगा, देखिए टू टेन ज़ा ट्वेंटी, ट्वेंटी माइनस सिक्स फोर्टीन हो जाएगा, तो x क्या लेंगे हम लोग, टेन लेंगे, तो टू टेन ज़ा ट्वेंटी, ट्वेंटी माइनस सिक्स कितना, फोर्टीन, फोर्टीन, फोर्टीन बाई सेवन कितना, टू आ गया, टू आ गया। अच्छा, ये एक बॉक्स कंप्लीट हो गया। सिमिलरली इसको भी हम लोग वही करेंगे, तो यहाँ देखिए क्या है, ये फाइव एक्स ठीक है, ये माइनस फोर है, इधर आया तो प्लस हो गया, माइनस एट वाई था, उसे दूसरी तरफ भेज दीजिए। अच्छा, नेक्स्ट फाइव एक्स प्लस फोर बाई एट इक्वल्स टू क्या होगा, वाई होगा। इसमें भी ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे हम लोग। अच्छा, एकदम आसान है, एकदम आसान, और स्कोरिंग भी है, बहुत स्कोरिंग है ये। अब आइए एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकते हैं हम लोग चेक करते हैं। वन पुट करने पे फाइव वन ज़ा फाइव प्लस फोर नाइन हो जाएगा, तो नाइन बाई एट फ्रैक्शन हो गया, मतलब आपको ऐसे नंबर चाहिए जो एट का मल्टीपल हो। टू पुट करने पे टेन हो जाएगा, टेन प्लस फोर फोर्टीन नहीं चलेगा। थ्री पुट करने पे फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन नहीं चलेगा। फोर पुट करने पे फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर, एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर चलेगा, एट फोर ज़ा चलेगा, तो फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर, एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर, चलिए एक पॉइंट तो मिल गया। इसी का माइनस में चेक करके देख लीजिए, फाइव इंटू माइनस फोर माइनस ट्वेंटी, माइनस ट्वेंटी प्लस फोर माइनस सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन बाई एट माइनस टू हो जाएगा, तो माइनस फोर रखने पे क्या मिला, माइनस टू। देखिए यहाँ पे कॉमन पॉइंट भी मिल गया, मतलब आपको यहीं पे पता चल गया यही आंसर होने वाला है, जो कॉमन पॉइंट होता है वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। चलिए ये तो मिल गया, अब आगे इसके बाद फोर तक हम लोगों ने चेक कर लिया है। फाइव पे देखिए, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव प्लस फोर ट्वेंटी नाइन नहीं होगा। सिक्स पे थर्टी प्लस फोर नहीं होगा। सेवन पे थर्टी फाइव प्लस फोर थर्टी नाइन नहीं होगा। एट पे फोर्टी प्लस फोर फोर्टी फोर नहीं होगा। नाइन पे फोर्टी फाइव प्लस फोर फोर्टी नाइन, इरीटेट मत होइएगा, थोड़ा करना होता है। फाइव टेन ज़ा फिफ्टी प्लस फोर फिफ्टी फोर नहीं होगा। इलेवन में फिफ्टी फाइव प्लस फोर फिफ्टी नाइन नहीं होगा। फाइव ट्वेल्व ज़ा सिक्सटी प्लस फोर सिक्सटी फोर होगा। एट एट ज़ा सिक्सटी फोर, मतलब x का वैल्यू आपने 12 लिया, x का वैल्यू 12 लिया, तो ये कितना हो गया 64, तो 8 8 या 64, उतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ही नहीं, कुछ नंबर्स चेक करने होते हैं, दो मिनट का काम है। अब ये बॉक्स बन गया, इसे उस पर रिप्रेजेंट करना है। सॉफ्ट बोर्ड पे मैं इतना अच्छा तरह से नहीं रिप्रेजेंट कर पाऊँगा, लेकिन आपको समझा जरूर पाऊँगा, जिससे कि आप ग्राफ पे काफ़ी अच्छे तरीके से इसे कर सकते हैं। आइए, ये हम लोग का एक्स एक्सेस है, एक्स है एक्स डैश, ये आपका वाई, ये वाई डैश, ये एक्स का पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा नंबर देखिए कितना है, 12 है, तो कम से कम 12 इंटरवल तो चाहिए ही होगा, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ये मैंने ले लिया। चलिए
एक्स डैश 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेके रखते हैं, ये y का पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ले लीजिए, ये y का नेगेटिव है, नंबरिंग डालना होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा, ये x का नेगेटिव था, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये y का पॉजिटिव है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इंटरवल मैंने अपने हिसाब से ले लिया है, इससे कुछ नहीं है। ये y का नेगेटिव है -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब इसे प्लॉट करना है, x3 y0 x3 1 2 3 और y0 मतलब वहीं का वहीं रुक गया, वो वहीं का वहीं रुक गया, x-4 ठीक है, y-2 नीचे मतलब यहाँ पे कहीं, अच्छा x-10 y2 ऊपर की तरफ मतलब यहाँ कहीं, तो ये तीन पॉइंट्स आपको मिल गए। क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। आइए आप जब ग्राफ में करेंगे तो ये काफी अच्छा बनेगा, ये एक लाइन मैंने ज्वाइन कर दिया, चलिए ठीक है, समझ जाइएगा, जरूर आप समझ जाइएगा। दूसरा देखिए क्या है, 4, 3 एक्स क्या है 4, वाई क्या है 3, वाई 3 कुछ यहाँ पे आसपास, अच्छा x-4 y-2 ये सेम पॉइंट हो गया, कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, x12 y8 कहीं यहाँ पे एक पॉइंट है। अच्छा करना क्या है, ये तीनों पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये तो कॉमन पॉइंट ही था, इसको इसके तीनों के साथ ज्वाइन करना है, तो फिर इसे ज्वाइन करते हैं। देखिए ये आपने ज्वाइन कर दिया इसे, लाइन सेगमेंट को एक नाम देना होगा आपको, पी क्यू आर एस, ये नाम दे दिया आपने, ये जो पॉइंट्स था इस पॉइंट्स को नेम कर दीजिए, x3 y0, ये x3 y0 का पॉइंट था, ये क्या था x10 y2, तो 10, 2 12, 8, अच्छा ये क्या था देखिए x4 y3, अच्छा ये पॉइंट क्या था आपका -4, -2, -4, -2, तो इस तरह से हम लोग इसको ग्राफ में हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए क्या है, ये लाइन और ये लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट पी क्यू लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -4, -2 मतलब x=-4 और y=-2, बस हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 वही काम है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली, इसे भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया। इसका पहला इक्वेशन देखिए क्या है, x+y=0, तो y=2 क्या होगा, y, तो y=2 क्या मिला आपको, -x, एकदम आसान है। इसके बाद एक बॉक्स बना लीजिए,
एक बॉक्स बना लीजिए, ये एक्स ये वाई, इसके कितने पॉइंट चाहिए आपको? तीन पॉइंट चाहिए। एक्स आप पुट करेंगे, वाई आपको मिलेगा। एक्स आपने वन पुट किया, एक्स आपने वन पुट किया, यहाँ पे जब आपने वन रखा सोचिए तो वाई इक्वल्स टू क्या दिखेगा आपको? माइनस वन दिखेगा ना, वाई क्या दिखेगा? माइनस वन। एक्स के जगह पे जब आपने टू रखा, टू, तो क्या दिखेगा? माइनस टू, माइनस टू। थ्री रखेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस थ्री। देखिए एक बॉक्स बन गया, एक बॉक्स कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए क्या था, थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू टेन, वाई एक तरफ, तो ये थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल्स टू क्या? टू वाई। अच्छा आगे देखिए, थ्री एक्स माइनस टेन बाई टू इक्वल्स टू क्या? वाई। इसके भी एक बॉक्स बना लेते हैं, आइए। ये एक्स ये वाई, कितने पॉइंट्स? तीन पॉइंट्स। एक एक करके सॉल्व करेंगे। एक्स सोचिए क्या ले सकते हैं आप, एक्स यदि आपने ज़ीरो लिया, एक्स यदि ज़ीरो, ज़ीरो ले सकते हैं आप, लेकिन दोनों ज़ीरो नहीं आना चाहिए, एक्स और वाई दोनों ज़ीरो नहीं आना चाहिए। एक्स को यदि आपने ज़ीरो किया तो थ्री इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया, तो माइनस टेन बाई टू, माइनस फाइव तो रह जाएगा, तो आप ले सकते हैं। एक्स जब आपने ज़ीरो लिया तो माइनस टेन बाई टू, मतलब वाई का वैल्यू माइनस फाइव आया, जो चलेगा। अच्छा वन आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री माइनस टेन माइनस सेवन बाई टू, फ्रैक्शन आ जाएगा। टू लेने पे थ्री टू ज़ा सिक्स, हो सकता है, हो सकता है। तो आपने टू लिया तो थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स माइनस टेन, सिक्स माइनस टेन, सिक्स माइनस टेन माइनस फोर, माइनस फोर बाई टू माइनस टू। देखिए कॉमन पॉइंट भी आ गया, मतलब आपको यहीं पे पता चल गया ये आंसर होने वाला है। अच्छा टू के बाद थ्री से तो नहीं होगा, फोर से चेक करते हैं। थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व होगा, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस टेन टू, टू बाई टू वन, टू बाई टू वन, एकदम सिंपल। देखिए दो बॉक्स बन गया, बस इसे वहाँ पे प्लॉट करना है। x का हाईएस्ट वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? फोर दिख रहा है। y का पॉजिटिव वैल्यू में आपका तो सब नेगेटिव वैल्यू ही दिख रहा है, पॉजिटिव वैल्यू वन है, नेगेटिव वैल्यू में फाइव रह गए, मैंने ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं होगा इसका। तो ये आपका x है, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये ज़ीरो। चलिए तो x में ये वन टू थ्री फोर फाइव, ये कर लिया हम लोगों ने। y में माइनस वन माइनस टू, माइनस में सबसे बड़ा नंबर कहाँ तक है? फाइव तक ही है ना। अच्छा माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ठीक है। y का पॉजिटिव वन टू थ्री फोर फाइव, y का नेगेटिव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। ये ग्राफ मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, आप जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो वो एकदम एक्यूरेट होगा, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं, ये देखकर आप समझ सकते हैं और ग्राफ पेपर पे काफ़ी अच्छी तरह से बना सकते हैं, मुझे पूरी विश्वास है। इस पर प्लॉट कैसे करेंगे? एक्स वन वाई माइनस वन, एक्स वन माइनस वन, एक्स प्लस वन वाई माइनस वन, एक्स प्लस वन वाई माइनस वन, मतलब पहला पॉइंट कहाँ मिलेगा? यहाँ मिला। अच्छा एक्स टू वाई माइनस टू, एक्स टू वाई माइनस टू, एक्स टू वाई माइनस टू। इसके बाद एक्स थ्री वाई माइनस थ्री, एक्स थ्री एंड वाई माइनस थ्री, ये कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, इन तीनों पॉइंट को जब आपने ज्वाइन किया इसका एक नाम दे दीजिए पी क्यू। इसके कोऑर्डिनेट्स को मेंशन कर दीजिए, वन कॉमा माइनस वन, टू कॉमा माइनस टू, थ्री कॉमा माइनस थ्री, ये आपने मेंशन कर दिया। इसके बाद देखिए क्या इसको प्लॉट करना है, एक्स जीरो वाई माइनस फाइव,
एक्स जीरो वाई माइनस फाइव, तो आपको ये पॉइंट मिला। एक्स टू वाई माइनस टू, एक्स टू वाई माइनस टू ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है। एक्स फोर वाई वन, एक्स फोर वाई वन, एक्स फोर वाई वन, तो यहाँ पे ये तीन पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स हुए। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट टू कॉमा टू कॉमन पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है। आइए इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। ये ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने, इसको एक नाम दे दीजिए आर एस। इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, इसके बाद एक स्टेटमेंट। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट्स तो हम लोगों ने लिखा नहीं। जीरो कॉमा माइनस फाइव, टू कॉमा माइनस टू लिखा हुआ है, फोर वन फोर वन फोर वन, अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इंटरसेक्ट अनदर लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट अनदर लाइन सेगमेंट आर एस एट अ पॉइंट, एट ए पॉइंट। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, देखिए टू कॉमा माइनस टू, मतलब एक्स क्या है टू, एक्स क्या है टू, और वाई क्या है माइनस टू। बस यही है आपका सोल्यूशन, देखिए कितना आसान था। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए।